नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 300 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 425 सेंटीमीटर है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा कि एक कमरा है और कमरे में क्या है, फर्श है। तो कमरे के फर्श की माप जिसमें लंबाई कितनी है, लंबाई उसने हमें दिया है कि 300 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वह है 425 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस कमरे में लगाए जाने हैं टाइल्स, और टाइल्स कैसे लगाए जाने हैं, वर्गाकार। तो उसने कहा कि जो टाइल्स लगाए जाने हैं उसकी संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने टाइल्स लगेंगे कम से कम। तो हमें इन दोनों लंबाई और चौड़ाई में क्या निकालना पड़ेगा, इसका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब भी हमें पता चलेगा कि कम से कम लंबाई कितनी, लंबाई के हम यहाँ वर्गाकार टाइल्स लगा सकते हैं। तो इन दोनों का जब एलसीएम लगाएंगे तो दो विधियां होती हैं, या तो इनका गुणनखंड कर लें या इसको भाग विधि से सॉल्व कर लें। तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। 300 का भाग दिया 425 में, एक बार जाएगा, यहां 125 बचेगा। अब जो बचता है उसका भाग यहां दिया जाता है, 125 का भाग दिया 300 में, दो बार देंगे तो 250, माइनस करेंगे तो बचा 50। अब इस 50 का भाग देना है 125 में, तो भी दो बार जाएगा, यहाँ 100 आएगा, यहाँ बचा 25। अब इस 25 का भाग देंगे इस 50 में, 25 दूना 50, यानी जहाँ पर पूरा भाग चला जाए, तो जिस भाजक से पूरा भाग जाए वही उसका क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक या HCF कहलाता है। यानी HCF कितना आया, इसका HCF आया 25। यानी कि जो टाइल्स है, टाइल्स तो वर्गाकार है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, दोनों ही 25-25 है। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल्स है। अब हमें निकालना है टाइल्स की संख्या। अब टाइल्स की संख्या कैसे निकलेगी, जो भी फर्श का क्षेत्रफल रहेगा उसमें हम एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है, यही रहता है, टाइल्स की संख्या निकालना है कि तो जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल है उसमें हम एक टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। तो फर्श की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 300 है लंबाई और 425 है इसकी चौड़ाई, और यहाँ तो टाइल्स कितनी है, 25x25 की है। तो हमने सबको लिख लिया। अब यहाँ हम कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, अगर हम 25 से करेंगे तो 25 चौको 100, तो ये 12 बार जाएगा। यहाँ करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 सत्ते 17 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 12×17, गुणा करेंगे 17×2=34 की 4, 3×17=17 और 3=20, 204 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो जो हमारा फर्श है उस फर्श को टाइल्स लगाने के लिए हमें 204 25x25 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसमें हमें टाइल्स की माप ना दी जाए लेकिन टाइल्स की संख्या पूछे, तो हम यहाँ फर्श में देखेंगे कि इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना आ रहा है। तो हम जब HCF निकल आएगा तो यानी हमें 25x25 यहाँ वर्गाकार टाइल्स लगानी थी, तो 25 ही लंबाई और 25 ही चौड़ाई। जब हमें टाइल्स की लंबाई चौड़ाई मिल गई तो हमने फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे दिया। अब फर्श हमारा था आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई किया, और जो टाइल्स थी वो थी वर्गाकार।
तो वो 25 आई, तो हमने यहाँ 25 गुणा 25 किया, क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए, भुजा मल्टीप्लाई भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। हमने यहाँ दोनों को डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो आंसर निकल के आ गया 204 टाइल्स। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।